हेलो जी, राम राम जी सारा ने, आप सबका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। भोले बाबा आप सपना खुश रखा, आप सब अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखा। मैं ये काम करूँ, आज मैं लेट हो रही हूँ बहुत गणी। आज एतवार था ना, गोल्ड स्कूल में कौन गया ना, तो अजीब लगे। रोटी पोई यहाँ 8 बज रहे हैं और ना अजीब तक झाड़ू बर्तन सारा काम पड़े मेरा। मैं कपड़े धोने लग गई सवेरे, देखो कपड़े तो मैंने ऊपर धो के सुखा दिए, 2 दिन कपड़े कौन धो, इतने हो गए हद तक ज़्यादा। अरे मैंने इबी रह रहे हैं, बाकी मशीन मन ठाई को नहीं, वह बाथरूम धोऊंगी और मशीन मशीन धो के धरूंगी, वे तो यो काम भी रह रहा है और सारा काम पड़िया है सुबह सुबह। आज तो बेरा को नहीं, बहुत लेट होगा काम ने, और क्योंकि स्कूल में जाना है तो जल्दी जल्दी में जल्दी हो गया है। और तो इबे मान ले स्कूल में कौन गया ना है, तो इबर कतर हरकत में करा तो लेट हो गए। हरकत तो क्या है, वैसे तो उठ्या करूँ से टेम उठी हूँ आज भी, फिर भी मेरा कौन क्या था, लेट हो गया आज। था मैंने मेरा डेली रूटीन का काम बताऊं, मैं किस तरह मेरा डेली रूटीन में काम करूं। मैं तो भाई मैं चादर चुदर संगवाऊँ थी, मैं चादर चुदर संगी थी, फिर मैं झाड़ू कर दी थी और झाड़ू एक बार तो मैंने पोछा मार दिया था, फिर बरंडा बरंडा मैं दोबारा मार दिया, फिर वो हो गया। मैं मतलब सारा काम करा पछे एक बार मार देने फिर सही रही जाए। फिर मैं काटने लग गया आंगन में बारी, और आंगन में बारी काट के ना क्योंकि हवा चल रही थी, देखो आराधन ये जितना कूड़ा ले आऊँ थे मैंने पीछे नहीं जाता, उल्टा तेज हवा चल रही थी तो जाते बार बार में उड़ा था डंगा, बहुत मुश्किल तक काटी और देख कपड़े भी ऊपर उड़न लग रहे थे। फिर मैंने बारी है, फिर गंडा सा दो कई बार आया और ऐसे ही कराया, मतलब सारे इकट्ठा करा, मम्मी बाद में मिला कर रही हूँ पाछे खेत में आया, पाछे ये रोटी आए थे खा लिए थे खेत में आया, पाछे थोड़ी मैंने पसीना सुखाया पाछे, और फिर मम्मी को मिलाया होगी मैं इसने एक जगह कहीं डाल कर दे। और फिर मैंने उड़ बारी बुरी काट के कूड़ा कड़ा गाल के ना सारा काम सही, मतलब उरा का काम तो झाड़ू वाला कर दिया था, कूड़ा कड़ा गाल दिया था, और देखो उर कबारी कर दी। फिर मैं बर्तन इकट्ठे करने लगी और मैंने तौलिए और तो दोगे, मैंने तौलिए रहे थे, तौलिए निचोड़ने रहने थे, फिर मैंने तौलिए घेर दिए, अब मैं तौलिए निचोड़न लगी और मशीन में मैंने इतना पायदान घेर दिया था, वो दूध जाओगा। एक चादर थी मतलब पिलन की चादर थी, मम्मी ने पिलन धोया था आज तो वह चादर धोई थी, वह चादर पड़ी थी तो मैं वह चादर भी ले आई, वह चादर खंगोल के खोल दी थी मैंने, मतलब और पानी कर लू थी इसका। मैं यू टप सही काम आ गया, हमने टप लिया था, एक बेचने आ रहा था तो मतलब सही इसमें सही खुले कपड़े नहीं जड़ गया है, जमानू कितना पानी कर ले, मोटर चला रखी थी मैंने आर की टंकी आर टूटी चाल थी टूटिया था, फिर मैं तो लिया ना और साफ पानी में कवर कर लू थी, और फिर इतने तोलिए नहीं छोड़े थे कने रसोई में पोचा मार के आऊँ थी, मम्मी ना थी कि मैं रोटी बनाऊँ क्योंकि चूल्हा पर बाहर हो रही थी ना, लेट हो रहे थे पहले रोटी लेने चले गए थे मम्मी यार, तो मैं सोचती रसोई में पोचा बाद में लगा दूंगी, पहला मैं तोलिए नहीं छोड़ दूँ। और इतने तोलिए नहीं छोड़ के मम्मी ने उसमें 8-9 दिया था, और मैंने फिर मशीन में सुखाने खातर निचोड़ने खातर घेर दी मेरे को, मतलब पानी सा वो हो जाएगा ना, फिर वो जल्दी वे हो जाएंगे, फिर तेज काम हो जाए कपड़े, फिर जल्दी भी हो जाए। फिर मैं पोचा और पायदान गिर दिए थे मैंने, वे भी मतलब निचोड़ खा तोड़ कर दिए थे, फिर मैंने इसका देखो तेज हवा चल रही थी जिसमें क्वाड भी बंद हो गया बार बार में, और फिर मैं मशीन ने धोने लग गई थी, मशीन धो के फिर मैं वो ले आई थी मतलब साफ करने खातर, हफ्ता 10 दिन में मैं इसके लिए मतलब सर्फ लगा के नु साफ कर दूंगा तो नु साफ निकल आया जमा साफ रही जा, खराब सी कोनी हो क्योंकि पानी पुनी बार आने छिटे छाटे लाग गए हैं, बाथरूम बाथरूम साफ कराने पानी पुनी मारा जब टप में पानी था मुड़ तो पानी दी, लेकिन मैंने मशीन साफ कर दी थी और मशीन साफ करके ने फिर बाथरूम में एक साइड लगा दूंगी, और मशीन साफ करके एक साइड लगा दी, फिर बाथरूम धो दिया था मैंने, और बाथरूम धो के ना फिर एक तो बर्तन धोने रह रहे थे मेरे बर्तन, मम्मी तेरा रोटी बनाने लग रही थी, मैंने इतने मेरे ला काम बाथरूम कर दिया था मैंने चका सके, और ये बर्तन धोऊंगी साइड में मेटअप पे हटा दिया था, इसमें पानी था मैं क्योंकि बाद में मार दूंगी इसने बर्तन, बर्तन धो के दो एक बर्तन टोकर तो अंदर थी मैं भी करने चली गई, फिर ये बर्तन धोने लगी मैं, बर्तन धो के ना इतने मम्मी रोटी बनाओ थी मैं इधर मुझको बर्तन धो लू, बर्तन धोया पाछा मतलब देखो कदे कदे तो मतलब जमा मैं वैसे तो मैं 8 बजे काम कर लिया करूँ,
रात छुट्टी थी ना, इस करके लेट हो रहा था। मैंने फिर भी मैंने जल्दी जल्दी सारा निपटा लिया था। और फिर उन्होंने मम्मी ने रोटी बना दी, फिर अली पर ला मैंने कर लिया, लेस करके जल्दी बन गया। मम्मी ने रोटी माँ पे बना दी। देखो वाह कितने चाल थी, मेरे पीछे किकर है ना वो कितनी तेज उड़न लग रही है जमा, हवा चल थी सही है, गर्मी को लागत थी जमा भी हवा चल थी ज्यादा है, और मतलब दूसरी हवा चल रही, फिर मारा वाह को लागत जमा भी इतने पसीने आने लग गए हैं, रवि हवा चल थी ना इस तरह। रवि मेरा कौन मम्मी थी कौन थी मेरा, मेरे पगे पूछे थे। और मतलब पड़ोस में बुआ हवा आ रही थी, भी को एक्सपायर हो रहा है, पूछे थी भाई जाओगी कि, मम्मी ने पूछे थी। मैंने कहा रोटी बना ली है बुआ, फिर जाओगी बिठारगे ले जाए आओगी बैठे आओगी, ज्यादा बुआ पूछना आई थी भाई चल लगी तो बोले चलेंगे बोले जियो। जब फिर उछालना रह गया था रोटी वाला, फिर देखा लगे दो, मैं मतलब साबुन लगा के अलग दो के सुखा दिया था मैंने, क्योंकि चिकना इतना हो जाए हर, फिर वैसे रोटियां का तो भाई अलग ही धोना चाहिए, और कपड़े कपड़ा मुझे ड्रेस का। मम्मी रोटी बना दी थी, मैं परात और ये जकड़ा बेलना रह गए थे वो, ये और दो दो चिमटा, और मम्मी की एक रोटी दे दी थी, मम्मी चिमटा और मैंने तवा और दे दी, मम्मी चिमटा तवा और दे दिया मैंने, ये और दो दिए थे। और फिर मैं मेरे रसोई में साफ करने लग गई थी, रसोई में गैस को साफ करूँ थी और ऊपर का सलेब सलेब साफ करने लग रही थी। मम्मी इतना नोरा कान चली गई थी, मतलब गान रोटी देने गई थी, और मैंने मैं मैस मूस बदलिया, मैस देखा मैं रसोई में पोछा लगाऊं थी, और मैंने रसोई में पोछा लगा दिया था, रसोई का तो हो गया था मेरा कंप्लीट काम, तो रसोई भी हो गई थी जगह तक। अरे मेरा भीतर का रह रहा था, भीतर का वैसे तो मैं बखत्ते मार दिया करूँ पोछा सुबेरे, मतलब मैं जल्दी उठूँ मैं 5 साढ़े 4 बजे उठ ली हूँ, क्योंकि मैं पोछा मार के फिर मैं नहा धो के मैं अपनी पूजा पाठ करूँगी, पोछा मारा बिना फिर जोत पत्ती लगाना जी कौन करे। पहली बार तो गोल्डी ही ने आज तो मतलब वो कर दिया था उल्टा, बरंडाम तो वैसे भी फिर मैं काम कुम करके बरंडा बरंडाम फिर मैं दोबारा मार दिया करूँ, क्योंकि तो फिर एक बरी मारे उड़ा फिर सही रही जावा है, आज तो फिर इतना सही रहो अभी को नहीं, आज गोल्डी है ना कदे किमी खिंडे हुआ कदे किमी खिंडा हुआ, स्कूल में जाया बच्चा तो इसका पापा तो रवीश तो चला जाओ है सेंटर पे, और आम सा सुबह रहो वहाँ बाढ़ का मैं खिंडा करे भाई बाढ़ के खिंडा में। और फिर मैंने आड़ के काई लाग रही थी, अब तो मैं एक बार तो मतलब तार दूँ फिर भी लाग जाए आड़ है ना, ज्यादा पानी पुनी पड़ा है ने, मतलब भाई कपड़े कुपड़े भी नहीं चोड़ा हाँ बर्तन भी धो हाँ, तो इस करके आड़ बार बार में पानी पड़ा है ना तो लाग जाए मेरे पर, मतलब मन तो बना हंगा लगा लगा के तार जितनी उतनी उतनी तो तार दी थी, मतलब ने थोड़ी थोड़ी उतर की थी मोटी मोटी, फिर मैंने गोल्डी नुआ दिया था, रोवा था यो मैं कोना इतना रोवा है यो नंदा इतना रोवा है ना क्या बताऊँ मैं, इतना रोहन नुआई गई रोई गया, साबण ना लगाओ मेरा क्यों लगाओ साबण, मैं को लगवाऊं नुई करी गया, तो मैं रोई ज्यादा का नुआऊंगी ना के राजी को नहीं, तो लिए मैंने धो दिए थे, फिर मैंने जाते इतने चुंदड़ी उड़ा दी, तो लिए सारे धो दिए थे, तो आले थे गिल्ले थे, तो जाते मैं चुंदड़ी उकन उकन पाई, तो मैं कपड़े कपड़े पर आ दिए थे गोल्डी तैयार कर दिया, देखा था मम्मी ने कैमरा लगा रखा है देखो कर झुक के देखा है, और फिर मैंने इसका तेल ता लगा दिया था, अभी रेत का ना भरिए बेटा बाहर जाऊँ बाहर बाहर जान की लाग रही इसका, जल्दी से कितनी देर में जाऊँ, और मट्टी में खेल लाई तेरी पिटाई लगा दूंगी मैं। और मैंने वह चुंदड़ी मैंने पानी में काढ़ के सुखा दी थी, और फिर ये तो मेरा अड़क है मतलब ये पानी पुणी मारना रह गया था, मैंने अड़क ये पानी पुणी बार दिया था मार दिया था, सारा का टप में पानी बच रहा था ना, तो मैंने उठा पाड़ा पानी मतलब गए थे बचा रखे थे, मुँह सारा काम कंप्लीट हुआ पाचा फिर मार दूंगी अड़क में, मैंने अड़ के सारा टप 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 का पानी मार दिया था, टप खाली कर दिया था, और मेरा मतलब ईब तो लगभग हो गया था काम, थोड़ा बहुत रहा था ईब तो मतलब ऊपर का काम रह गया था मेरा, तो लिए मैं सुखा के कोनी आऊँ थी, तो सुखा के कोनी आए थे मैंने दर रखे थे, तो मैं पानी पुनी मार के ना वो करके ना मैं फेरे लेके जाऊंगी, मैं ऊपर का भी झाड़ू पोछा कर आऊंगी, जाते मंदिर को रखे थे उरा का भी हो गया था काम कंप्लीट। और फिर मैं मम्मी आज 11 करी थी ना मैंने कल, तो सीधा कुंडे के आई थी, तो मम्मी ने सीधा गाल के दे दे, मैंने मैं दी आऊंगी बाद की ना फिर हम उनके बैठने जावांगे, तो मैंने मम्मी थी सीधा गाल के दे दे, मम्मी सीधा ले गई थी, और अड़का हो गया था मेरा नीचे का कंप्लीट काम, फिर मैं ऊपर तौलिए सुखाने आ गई थी, तौलिए रह रहे थे मेरे सुखाने, तो जाते मैं तौलिए सुखाने आ गई थी, तोली सुखाया पछे हवा चल थी नहीं ये तो सूखे गए थे, फिर मैं सोची और उरा कही ये हटा के सुखा दी, फिर मैं ऊपर कमरा में मतलब झाड़ू ऊपर तो मैंने एक ऊपर झाड़ू के रखी है, तो उसे तो काट दिया करूँ मैं पोचा में ले आई थी आंधी, तो मैंने झाड़ू निकाल के ना ऊपर तक पोचा भी मार दिया था,
ऊपर का काम भी हो गया था कंप्लीट। और ईब तो मतलब मैं फिर मैं काम कुम करके मैं चाचियर हैं चाचियर कहाँ चली गई थोड़ी देर, मैं रील बनवान चली गई क्योंकि उर्क है ना पेड़ पाड़ है ना तो सही बन गया है। फिर मैं शाम के बज गए थे 6, तो शाम का मतलब शाम ने मैं सोचा आज कढ़ी बनाऊँगी रात चूल्हा पर बनाऊँगी, तो शाम ने मैं कढ़ी बनाऊँ थी और मैंने दूध धर दिया था गैस पर गर्म, और मुझको इतने मतलब दूध गर्म होना इतना आड़ा भाई कढ़ी की वह तैयार कर लूँ भाई कढ़ी की तैयारी तूरी कर लूँ फिर चूल्हा माँच बाल के ना और फिर बना लूँगी इतना दूध गर्म हो जाएगा। फिर मैं इतना मतलब मैंने आलू काट लिए हरी मिर्च काट ली और मैं मिश्रण मिलान लग रही थी और इतना मसाला गेर दिया था ना हम तो मतलब देसी हिसाब तो नहीं बनाया करा कढ़ी। और फिर वैसे भी मैंने व्रत कर रखा ना तो मैं प्याज लहसुन तो खाऊँ को नहीं, एक टाइम रोटी खाऊँ तो मतलब सिंपल ही बनेगी ना प्याज पड़े ना लहसुन पड़े और किमें भी कौन पड़े मसाले तो वैसे भी कौन गेरा कर मसाला की सब्जी खावा को नहीं अच्छी कौन रवे सिंपल ही खावा अपने। और मैंने फिर इतना कढ़ाइया कढ़ुया धो के चूल्हा पर धर दिया था आँच बाल ली थी मैंने चूल्हा पर और आँच बाल के ना मैं इतने मुको मम्मी गोल्डी उठाया था मम्मी के मतलब आज बारी उठा था मुँह बेटा रहा इतने केस होगा मैं मम्मी मैं सो जाऊँगा आज मैं बाहर को नहीं हंडा फिर मेरे दूर बैठ गया थोड़ी देर रहूँगा मैं था नहीं हो जाते बैठ गया नहीं हो एक मिनट टनिया को नहीं करा इतना मैंने मेरा तेल मतलब गेर चूल्हा में कढ़ाइया में गाल दिया था वो इतना जीरा होगा दे ले चलिया गया पर मम्मी ने फिर मोटी लकड़ी लेके दी परला घर में मम्मी ने मोटी लगा ली इस तरह मतलब सही यहाँ से बढ़ी जाओगी। तो मैंने मेरा छिमकना आ गया था मैंने जीरा आलू और ये मैंने आलू अरे मतलब हरी मिर्च मैंने गेर दी थी और तो क्यों गेरना था को नहीं देखो मेरे आलू और हरी मिर्च पकने लग रहे थे तो आलू और मिर्च पक गए थे बस। और फिर मैंने इसका मैं गेर दिया कढ़ी का मतलब मिश्रण कर उसका वो तैयार करोड़ा मैंने गेर दिया था इसका मैं इतने मेरी कढ़ी लग गई थी रंधन लग रही थी आँच बुझ गई थी थोड़ी आवासी चल रही थी मैंने इस पर थोड़ा पानी मंगवाया था मैं उठूँगी ना कढ़ी पाट ना जाओ कदे थोड़ा पानी भी गेर दिया था। फिर मैंने क्योंकि मार मम्मी ने मतलब ज़्यादा गाढ़ी होने वह पसंद को नहीं नूली पतली पतली बनाई है तो फिर मैंने थोड़ा पानी भी गेर दिया लासी गाढ़ी थी तो ज्यादा फिर मतलब टोपिया धो के ना थोड़ा गेर दिया था मैंने फिर ज़्यादा पतली भी मैंने अच्छी को लागर ज़्यादा गाढ़ी भी कौन सही होनी चाहिए कढ़ी लागी थी मेरी रंधन मैंने फिर सामान सामान उठा दिया था अड़ते। फिर मैं सोची इतना कढ़ी रंधन इतना मैं आटा लगा ली फिर मैंने आटा लगाया मम्मी इतने नोराम जा रही थी मैं ऐसा कन धूमनी करने मैं मम्मी नोली मैं रोटी बना दी मैं बना दूँगी रोटी तो चूल्हा पे फिर मैं सोची इतना आटा लगा दूँ मम्मी आप इतने और फिर आटा लगा के फिर मैं तो थोड़े बर्तन थे वे धो के ना फिर मैंने सोची मैं तो मेरी जोतपत्ती करूँगी जोतपत्ती का टाइम हो रहा था 7:15 हो गए थे तो चूल्हा पर तनू है थोड़ा टाइम सा तो लागे जा है भाई सब्जी सुब्जी बनावा फिर नू है स्वाद बना है। फिर आज कई बहुत दिनों में बनाई है चूल्हा सब्जी मैंने कई दिन हो गए थे और इतना मैंने आटा लगा दिया था आटा लगा के ना आटा लगा दिया था कढ़ी रंधन लग रही थी और मैं इतना दो चार मम्मी आएगी थी मैं इतना दो चार बर्तन धोंगी थी मैं कोई दो चार बर्तन धो के ना और फिर मैं अपनी जोतपत्ती करूँगी नहाऊँगी मैंने बर्तन बर्तन धो दिए थे फिर मैं नहाने लगी फिर मैं तो तवा धो दिया था मैंने तवा मांझ के दे दूँ मम्मी ने मैंने तवा मांझ दिया था। अब मम्मी ला गई थी फिर रोटियाँ के मम्मी ने बना दी थी रोटी फिर और गोल्डी बिरन के बताओ था बाहर ताकि देखो कढ़ी मेरी हो गई लाइक करियो शेयर करियो सब्सक्राइब करो और ये खाई मन तो रोटी रवीस ने भी खाई और गोल्डी ने भी खाई मम्मी ने कई देर होगी खाई ने और कितने हो गया 9:30 हो गए हैं ये सोने की तैयारी और उम्मीद है आपने हमारे ब्लॉग पसंद आंदे होंगे चैनल ने लाइक करियो शेयर करियो सब्सक्राइब करियो और लाइक करियो इसकी सुन लो लाइक करियो ठीक है भाई सब ने राम राम गुड राम राम भाई सारा तेल ओ ठीक है भाई शुभ रात्रि शुभ रात्रि राधे 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 राधे।